अभी तक भाजपा ने 15 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान राजस्थान में किया है। लोकसभा सीटों पर 5 के टिकट काट दिए हैं। टिकट जिसका काटा है उसमें कुछ बगावती हुए हैं, लेकिन एक नाम भरतपुर से रंजीता कोहली, आरक्षित ये सीट अनुसूचित जाति के लिए। रंजीता कोहली का टिकट काट दिया है भाजपा ने, लेकिन रंजीता कोहली ने कोई विद्रोह, कोई रोष नहीं जताया है। पार्टी के फैसले के साथ गई हैं। पहली बार ही वो सांसद बनी थी, 2019 के चुनाव में वो जीती, भाजपा के दामन में ये सीट आई। भरतपुर इसीलिए खास है क्योंकि यहाँ से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी आते हैं, और आज हम आपको इस कार्यक्रम में भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो तमाम समीकरण है, भरतपुर का लोकसभा क्षेत्र क्यों खास है, कितने नेता हैं, कौन चुनाव लड़ेगा। भाजपा ने तो ऐलान कर दिया है रामस्वरूप कोहली के नाम का। जी हाँ, रंजीता कोहली का टिकट काट दिया गया है, रामस्वरूप कोहली को टिकट दिया गया है। तो क्या तीसरी बार जीत की हैट्रिक भरतपुर के लोग भाजपा के लिए इस बार लगाने वाले हैं, ये सब चीजें जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आकाश है और आप राजस्थान चौक का एक खास कार्यक्रम हॉट सीट देख रहे हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित ये सीट में जाट समाज के साथ साथ जाटव समाज का अच्छा खासा दबदबा है, और यही दो समाज यहां पर जीत या हार इसकी निर्णय करने की भूमिका निभाते हैं। ये जो लोकसभा क्षेत्र है भरतपुर का, इसमें 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 7 भरतपुर की है और 1 अलवर की है। अब मैं जब हमेशा हॉट सीट कार्यक्रमों में किसी भी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों की बात करता हूं, तो लोग कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि भाई साहब ये फला सीट दूसरे जिले की है, ये फला सीट उस जिले की है। देखिए, सीट अलग अलग जिलों की हो सकती है विधानसभा सीट, लेकिन लोकसभा का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो हो सकता है कि अलग अलग जिलों की विधानसभा सीटें मिलाकर भी बना हो, क्योंकि राजस्थान में ऐसे कई जिले हैं जिसमें दूसरे जिलों की, मतलब जिले यानी कि जो लोकसभा क्षेत्र हैं जिसमें दूसरे जिलों की विधानसभा सीटें शामिल होती है। ऐसे ही यहां पर जो भरतपुर का लोकसभा क्षेत्र है, इसमें 7 सीटें भरतपुर जो लोकसभा है, जो जिला है, उसकी 7 विधानसभा सीटें हैं, और अलवर जिले की 1 कठूमर विधानसभा जो है वो भरतपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। यानी कि कठूमर के लोग जो वोट करेंगे वो अलवर के सांसद के लिए नहीं आते, तो वो अलवर जिले में है, लेकिन वो वोट करेंगे भरतपुर के सांसद के लिए। यहां पर 1952 में पहला चुनाव हुआ था लोकसभा का, और जीते थे गिरिराज शरण सिंह, निर्दलीय जीते थे। ये महत्वपूर्ण है, निर्दलीय जीते थे, क्योंकि देखिए राजस्थान की जो लोकसभा सीटें हैं उसमें जब 1952 में पहला चुनाव हुआ, कई सीटें जिसमें 1952 में ही पहला चुनाव हुआ, 17 लोकसभा चुनाव अभी तक हो चुके हैं, तो यहाँ पर अधिकतर सीटों पर निर्दलीय जीते थे। उस समय उम्मीदवारों का अभाव था, पार्टियों का अभाव था, पार्टियां जो मुख्य देखी जाए तो कांग्रेस ही थी उस समय, और जनसंघ थी, लेकिन जनसंघ का इतना जोर राजस्थान में था नहीं। भाजपा के आने के बाद यहाँ पर टक्कर हुई है और अब तो दोनों प्रमुख दल हैं, कांग्रेस और भाजपा। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि 1952 में यहाँ पर पहला लोकसभा चुनाव हुआ और गिरिराज शरण सिंह यहाँ से निर्दलीय जीत गए। मौजूदा समय की बात करूं तो रंजीता कोहली यहाँ से सांसद हैं। रंजीता कोहली ने 2019 में कांग्रेस के उम्मीदवार अभिजीत कुमार जाटव को हराया था, लेकिन अब उनका टिकट कट गया है और उन्होंने फैसले के बाद रोष भी नहीं जताया है, क्योंकि रंजीता कोहली का पिछले 5 सालों का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बयानबाजी, अपने लोकसभा क्षेत्र से नदारद रहना, वहां से गायब रहना, लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होना, ये सब चीजें उनके आड़े आई है। और टिकट कटने का अंदेशा उन्हें भी पहले से था, टिकट काटना है ये भाजपा का आलाकमान पहले से तय कर चुका था। कांग्रेस भी ये बात जानती थी कि रंजीता कोहली से टक्कर नहीं होगी, इसीलिए भाजपा ने रामस्वरूप कोहली को टिकट दे दिया है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार का ऐलान यहां पर नहीं किया है। कांग्रेस में भी विचार विमर्श चल रहा है, कब कांग्रेस की लिस्ट आएगी, उसमें क्या भरतपुर का नाम होगा, ये सब चीजें देखने लायक है। लेकिन 2009 में ये सीट जो है
अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी गई थी। इस सीट में भरतपुर जिले की 7 विधानसभा और अलवर की 1 विधानसभा शामिल है। मैं भरतपुर की अगर विधानसभा सीटों की बात करूं जो भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो देखिए डी कुमेर है, शैलेश सिंह यहां से भाजपा के विधायक हैं, मंत्री भी हैं सरकार में। उसके बाद रूपवास बयाना की सीट है, निर्दलीय यहां से जीती है ऋतु बानावत। वो पहले भाजपा से ही टिकट मांग रही थी लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, निर्दलीय उतर गई, जीती यहां पर। इसके बाद एक सीट है वैर, वैर बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, नदबई है, कामा है, नगर है। नगर से देखिए जवाहर सिंह बेडम है, कामा से नौक्षम चौधरी है। नौक्षम चौधरी की चर्चा भी इस कार्यक्रम में बहुत जरूरी है। नौक्षम चौधरी हरियाणा की रहने वाली और हरियाणा में उन्होंने बड़ी मेहनत की, एक चुनाव वो हरियाणा में हार चुकी थी एक सीट से, अब उन्हें भाजपा कामा लेकर आई जहां उन्होंने राजस्थान सरकार की मंत्री जाहिदा खान को पहली बार में हरा दिया। जी हां, पहली बार नौक्षम चौधरी चुनाव में उतरी और वो जीत गई यहां से। यंग है, नई नई विधायक बनी है और उनके नाम को राजस्थान की राजनीति में भाजपा बहुत आगे एक विजन के साथ में देख रही। लेकिन भरतपुर में कई सारी चीजें इस समय चल रही है, जाट आंदोलन की चर्चा है वहां पर। भरतपुर धौलपुर के जो जाट है वो अपने आप को केंद्र में आरक्षण मांग रहे हैं। लंबे समय से जद्दोजहद चल रही है वहां पर, लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, पटरियों पर पड़ाव भी डाला गया, कोई सुनवाई नहीं है। मामला इस समय ठंडा पड़ चुका है और भरतपुर से ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आते हैं। वहां पर जो आरक्षण समिति के लोग हैं, नेम सिंह फौजदार हैं, भजनलाल शर्मा से उन्होंने बात करने की कोशिश की, कई उन्होंने चुनौतियां भी दी, कई उन्होंने चेतावनी भी दी कि बात हमारी सुनिए, लोकसभा चुनाव में देख लेंगे। अभी तक कुछ उस पर फैसला नहीं आया है। लेकिन देखिए यहाँ पर जाट वोटर अच्छे खासे हैं, अगर यह आरक्षण की बात नहीं मानी जाती है तो क्या भरतपुर में कुछ नया खेल देखने मिल सकता है? खेल जो भी होगा, लेकिन खेल पिछले 3 लोकसभा चुनावों का इतिहास जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। 2009 में रतन सिंह जाटव कांग्रेस पार्टी के सांसद, 2014 में बहादुर कोहली भाजपा के सांसद और 2019 में रंजीता कोहली भाजपा की ही सांसद यहां से बने हैं। ये 3 चुनाव है, 2 चुनाव पिछले जो है भाजपा बैक टू बैक जीती है, इस बार भाजपा हैट्रिक लगाएगी ये देखना होगा। लेकिन कैसा यहाँ का इतिहास रहा है ये मैं एक बार आपको बता दूं। 1952 में पहला चुनाव भरतपुर लोकसभा सीट पर हुआ जिसमें गिरिराज शरण सिंह निर्दलीय यहां से चुनाव जीते, सांसद बने। फिर 1957 और 1962 में कांग्रेस के बाबू राज बहादुर यहां से सांसद बने। 1966 में राज परिवार, पूर्व राज परिवार के महाराजा ब्रिजेंद्र सिंह ने यहां से चुनाव लड़ा था। साल आया 1971 और 1977, यहां के लोकसभा चुनाव में पंडित रामकृष्ण भरतपुर की इस सीट से जीत करके सांसद बने और दिल्ली चले गए। वर्ष 1980 में भरतपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के राजेश पायलट, जी हां, सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट ने यहां से चुनाव लड़ा, जीते, दिल्ली पहुंचे, सांसद बने। फिर 1984 दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के नटवर सिंह वो यहां से लोकसभा चुनाव जीते और सांसद बन गए, दिल्ली पहुंच गए। फिर से बारी आई, देखिए राज परिवार का यहां पर अच्छा खासा रसूख है। डी कुम्हेर से यहां पर पूर्व विधायक है विश्वेंद्र सिंह, राजा विश्वेंद्र सिंह उन्हें कहा जाता है। कांग्रेस पार्टी में लगातार वो टिकट लेते रहे, जीते रहे और विश्वेंद्र सिंह पायलट गुट के भी माने जाते हैं, सचिन पायलट के पिता यहां से सांसद भी रह चुके हैं, ये रिश्ता बड़ा पुराना है। लेकिन इस बार विश्वेंद्र सिंह नहीं जीत पाए और ये जो जाट आंदोलन वहां पर चल रहा है आरक्षण का, उसमें बड़े सक्रिय हैं। अब बारी आई 1990 की, तो यहां पर राज परिवार, पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वेंद्र सिंह जनता दिल के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और वो सांसद बन गए। 1991 में बीजेपी ने पूर्व राज परिवार की सदस्य कृष्णेंद्र इनको टिकट दिया, वो मैदान में उतरे और कृष्णेंद्र कौर दीपा इनकी जीत हो गई। वर्ष 1996 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने दिव्या सिंह को टिकट दिया और उन्हें यहां से दिल्ली भेज दिया।
दिव्या सिंह जीतकर सांसद बनी और वर्ष 1998 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नटवर सिंह लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने। उन्होंने दिव्या को हरा दिया, दिव्या सिंह जिनकी मैं बात कर रहा था। फिर वर्ष 1999 और 2004 लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर विश्वेंद्र सिंह चुनाव लड़े और वो जीते भी, सांसद भी बने। यहां पर कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी के हाथों में सत्ता आई। बड़ी दिलचस्प सीट रही, कोई भी लगातार यहां पर काबिज नहीं रहा, आना जाना लोगों का, नेताओं का यहां पर चलता रहा। और वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के रतन सिंह यहां से चुनाव जीत गए और वो दिल्ली पहुंच गए। उसके बाद 2014 का चुनाव हमने आपको बताया, बहादुर सिंह कोहली यहां से चुनाव जीते। 2019 में रंजीता कोहली यहां से चुनाव जीती। देखा जाए तो भाजपा यहां पर कोहली जाति के उम्मीदवार पर ही भरोसा जताती है, पिछले दो चुनाव में भी, और अब रामस्वरूप कोहली जी ने टिकट दिया गया है। ये तीन हैट्रिक टिकटों को लेकर जो जातिगत यहां पर बल है उसकी हमने आपको बताई कि पिछले तीन चुनाव में भाजपा कोहली समाज से यहां पर ही टिकट देती आई है, क्योंकि आरक्षित सीट है, जातिगत समीकरण वैसा है। और कांग्रेस पार्टी ने 2019 में अभिजीत कुमार जाटव को टिकट दिया था, मैदान में उतारा था, लेकिन रंजीता कोहली जीत गई और अभिजीत कुमार को हार यहां पर देखनी पड़ी। अब रंजीता कोहली का टिकट तो काट दिया गया है, कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा होना बाकी है, लेकिन कहा जा रहा है कि भजनलाल जाटव को टिकट दिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस को संभावना यहां पर भजनलाल जाटव के नाम की ही लग रही है। लेकिन यहां की जो विधानसभा सीटें हैं, एक बार इस पर कौन काबिज है, कौन से विधायक हैं, किस सीट से है, ये हम आपको बता देते हैं। अलवर की एक जो विधानसभा सीट है, कठुमर अलवर जिले की, वो यहां पर इस लोकसभा क्षेत्र में शामिल है। और रमेश खिंची यहां से भाजपा के विधायक हैं। कामा जो विधानसभा सीट है वहां पर नौकशम चौधरी भाजपा के विधायक हैं। नगर जवाहर सिंह बेडम वो मंत्री हैं यहां भजनलाल सरकार में, नगर विधानसभा सीट से विधायक हैं जवाहर सिंह बेडम भाजपा के। डी कुमेर में शैलेश सिंह भाजपा के ही विधायक हैं। भरतपुर सुभाष गर्ग जो रालोद राष्ट्रीय लोक दल गठबंधन के तहत उन्होंने चुनाव लड़ा कांग्रेस के साथ इस राजस्थान विधानसभा चुनाव में, अशोक गहलोत सरकार में मंत्री भी रहे हो, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय लोक दल के नेता सदर कहें जयंत चौधरी वो केंद्र में एनडीए के साथ चले गए हैं, भाजपा के साथ चले गए हैं, तो यहां पर भी सुभाष गर्ग ने अब कांग्रेस से अपना नाता तोड़ लिया है और भरतपुर के सुभाष गर्ग जीते रालोद के टिकट पर है। नदबई में जगत सिंह है भाजपा के विधायक। वैर में बहादुर सिंह कोहली है जो सांसद भी रह चुके हैं, बीजेपी के विधायक। बयाना में ऋतु बानावत है जो निर्दलीय जीती हैं, और ऋतु बानावत भाजपा के टिकट मांग रही थी लेकिन उन्हें नहीं दिया गया, हालांकि उन्होंने निर्दलीय टाल ठोकी। और जब विधानसभा का पहला सत्र आया था तो बड़ा दिलचस्प था कि ऋतु बानावत ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंची थी, हालांकि जब बाहर आई विधानसभा से तो वो कार से आई अपनी, लेकिन उन्होंने एक किसान कौम की जो छाप छोड़ने के लिए ये ट्रैक्टर से वहां अंदर जाने का निर्णय लिया था। लेकिन भाजपा ने इस बार एक बार फिर कोहली जाति के प्रत्याशी पर अपना भरोसा जताया है और भाजपा ने रामस्वरूप कोहली को अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन ये जानकारी है कि कांग्रेस पार्टी भजनलाल जाटव को ही यहां से टिकट देगी। भजनलाल जाटव पहले कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और 2023 के विधानसभा चुनाव में भजनलाल जाटव को हार का सामना करना पड़ा था। कई सीटों पर ऐसे ही समीकरण है कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में हारे थे उन्हें लोकसभा चुनाव में उतारने की तैयारी चल रही, लेकिन यहां का जो जातिगत समीकरण है, जाट जाटव मुस्लिम मतदाता, ये तीनों यहां पर निर्णायक है। इस लोकसभा जो पिछला चुनाव हुआ यहां पर अगर हम कुल मतदाताओं की बात करें तो करीब 21 लाख है, जिसमें महिलाएं करीब 9,85,000 के करीब बताई जाती हैं और पुरुष यहां पर 11.5 लाख के लगभग। इसमें सर्वाधिक मतदाता जाट समाज के हैं जिनकी संख्या 5 लाख के आसपास है, जबकि दूसरे नंबर पर जाटव समाज के मतदाता हैं जिनकी संख्या 3.5 लाख।
इसके अलावा कामा नगर विधानसभा, इसमें मुस्लिम मतदाता अच्छी संख्या में हैं, जो जीत में हार में अहम भूमिका निभाते हैं। ये पूरा एक समीकरण भरतपुर हॉट सीट का, भरतपुर लोकसभा सीट का, जो हमने आपको बताया। लगातार ऐसे ही एपिसोड्स आप देख पाएंगे, तब तक के लिए देखते रहिए राजस्थान चौक।